हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग दूसरी जगह एग्जीबिशन में आए हैं, जो कि है आईटीआई कॉलेज में है। तो यहाँ पे एग्जीबिशन लगा है जो है हैंडक्राफ्ट से रिलेटेड, जो भी है सब लोग अपना ट्रेडिशनल जो जहाँ के जिस सिटी का है वो वहाँ का जो है अपना हैंडक्राफ्ट का जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे एग्जीबिशन करते हैं, उनकी नुमाइश करते हैं, उनके जो है प्रदर्शनी करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ हम लोग इंटर हो गए हैं। यहाँ चीनी के बर्तनों की का एग्ज़िबिशन लगा है। तो ये बहुत तरीके के जो है बर्तन हैं, बाउल हैं, कप हैं, और डिनर सेट हैं, सूप सेट है, बहुत हर तरीके का यहाँ पे आपको जो है बर्तन मिलेंगे, जो कि सब चीनी के बर्तन हैं। फ्रेंड्स, ये सब देख सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन हैं, और ग्लास है, कप है, और फ्लावर पॉट्स हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो है पैन वगैरह भी हैं, तवे वगैरह हैं, मनी बैंक है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ये अपनी सिटी, अपने जो है गांव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये निज़ामबाद के बर्तन हैं, ये आप देख सकते हैं सामने, राष्ट्रीय पॉटरी स्वयं सहायता समूह, ये ऐसा लिखा है। और ये है हुसैनाबाद, निज़ामाबाद से ये लोग आए हैं, और ये अपनी जो है चीज़ों का प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये भी किसी एक गांव से हैं, जो कि अपने हाथों से बनी ये डोलचियाँ, डाली, इसे क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और ये मिट्टी के गमले हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपने अपने गांव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बैंगल भी मिट्टी के बने हुए थे। और ये सारी चीज़ें ये सब देख रहे हैं। और चलिए देखते हैं, पेंट भी लगा होता है ना? जी नहीं, बिल्कुल पेंट है ही नहीं। तो ये क्या है? ब्लैक ब्लैक हो जाता है, पता वही बना ना, पकाने का तरीका अलग है उसका। अच्छा, वो भट्टी में ही ब्लैक हो जाता है। अच्छा, फिनिशिंग कैसे आती है? तो पहले से किया जाता है। अच्छा, पहले से उसको मार दिया जाता है पहले से। तो जैसा कि आपने देखा कि ये तवा है, जिस पे आप रोटियां और पूड़ियां और इस पे चिकन भी बना सकते हैं। तो ये मैंने बाय कर लिया है। अच्छा होता है सर इस पे? यहाँ तो खैर आजमगढ़ है, तो उससे शुरू पड़ता है, इलाहाबाद लखनऊ में बहुत ज़्यादा जाता है। अच्छा, इलाहाबाद लखनऊ दिल्ली तक जाते हैं हम। अच्छा, छोटा छोटा सा ज्यादा, ये पकड़ लो, ये ले लो बेटा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मिट्टी के जो है बैंगल भी हैं, और छोटे छोटे से होम डेकोरेशन और इस टाइप के जो है चीज़ें हैं, जो कि आप डेकोरेट भी कर सकती हैं। तो ये बहुत ही प्यारा ये सारी चीज़ें लग रही थी, बहुत ही, ये कप देखिए आप, बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं। तो मिट्टी के चीज़ों के, मिट्टी के बर्तन के काफ़ी स्टॉल लगे हुए थे। ये सब निज़ामाबाद से आए थे, और इसमें बहुत सी चीज़ें अच्छी लग रही थी और लेने लायक थी। और नेक्स्ट स्टॉल ये जो है हमने देखा, ये बनारसी सूट के स्टॉल हैं, ये मऊ मोहम्मदाबाद से आए हुए हैं ये, और इनके सारे सूट बनारसी हैं। इनका दावा है कि प्योर बनारसी सूट है, और सब कुछ इनके हाथ का काम है। ये इन लोगों की जो शिल्पकारी होती है, जो कि इन लोग का क्राफ्ट होता है, वो ये लोग यहाँ पे एग्जीबिशन में लगाते हैं। और ये कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हैं, तो ये ओरिजिनल तो खैर नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ऐसे वीडियो बना के
यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि ये ओरिजिनल तो होते नहीं हैं, लेकिन काफ़ी प्रोडक्ट थे यहाँ पे, और ये स्वेटर थे और शर्ट्स वगैरह थी, तो ये सारे चीज़ें जगह जगह पे स्टॉल लगे हुए थे। तो ITI वाले एग्जीबिशन में, आज़मगढ़ में जो ITI कॉलेज में एग्जीबिशन लगा है, वहाँ पे चीज़ों के काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं, और ये बहुत ही कम रेंज के यहाँ पे स्वेटर वगैरह मिल रहे हैं, और यहाँ पे इस टाइप के जो सौंफ और इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो पान मसाले में डलती हैं, और खट्टी मीठी टाफियाँ भी यहाँ पे मिल रही थी, और यहाँ रक्स वगैरह के लगे हैं स्टॉल, और कालीन के हैं जो कि भदोही वगैरह से आए हुए हैं, कालीन जो है अपने भदोही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो है सहारनपुर के जो है लकड़ी के काम के जो है ये चीज़ें थी। तो जैसे कि मनी बैंक हो गया, और ये बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने मनी बैंक लिया, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था ये अच्छे से सहारनपुर, और फूल के अगर का बॉक्स बनाना चाहता है तो इसलिए उसे ये सब चीज़ों का बहुत शौक़ है, तो मैंने इसे भी बाय कर लिया। और यहाँ लेने के लिए तो काफ़ी कुछ चीज़ें थी, और यहाँ कश्मीरी ड्रेस जैसा कि मैंने पहले वाले ब्लॉग में आपसे शेयर किया था, उसमें कश्मीरी ड्रेस थे, शॉल्स थे, स्टॉल्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी वो। और ये आप देख सकते हैं यहाँ बैंगल हैं, ये फिरोज़ाबाद के बैंगल्स थे, लेकिन कांच के बहुत कम ही लग रहे थे, ज़्यादातर मेटल के लग रहे थे, तो इसे मैंने नहीं लिया। और ये देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं, ये सब होम डेकोरेशन के सामान हैं, और ये बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और साथ ही मैंने जो है किचन पे जो कस्टमाइज जो होते हैं नेम वगैरह, वो मैंने बच्चों के करवाए, तो मेरे दो बेटे हैं, तो एक बेटे का नाम मैंने इसके बाबा के साथ लिख दिया, और एक बेटे का नाम मैंने अपने साथ लिख दिया, तो इस तरह हम दोनों का नाम अपने अपने बेटों के जो है किचन पे आ गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इनकी भी प्राइस बहुत ही रिजनेबल थी, और सब लोग अपने नाम वगैरह लिख कर और इसे कस्टमाइज कर रहे थे। लहसुन का चाहो तो लहसुन का मिल जाएगा, देसी बादाम है घरों वाली। ये सब खाने पीने के यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, गुलाब जामुन, दही बड़े, और चाट फुल्की, और ये आलू की टिक्की, और ये हमने खाया, बहुत मज़ेदार था ये आलू की टिक्की, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी, तो हमने इसमें दही वगैरह और फुल्की वगैरह डलवा के इसे हमने खाया, बहुत ही मज़ेदार लगा हमें। और इसके बाद बच्चों के लिए हमने पिज़्ज़ा वगैरह ले लिया, और पिज़्ज़ा तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार था,
तो काफ़ी मज़ा आया। इससे पहले मैंने इसके मतलब चाट और टिक्की खाने के बाद मैंने चाय एंजॉय की, और चाय तो एकदम ज़बरदस्त थी, औसम थी, बहुत ही लजीज चाय थी। तो गाइज चाट भी बहुत अच्छे थे और चाय भी अच्छी थी, और हमने आज का दिन बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय किया। आई होप कि आप लोग भी यहाँ पे आके विजिट करेंगे और यहाँ के शिल्पकारों के जो शिल्प है और जो यहाँ की कलाकारी है और जो यहाँ के अपने अपने जो है सिटी को, गांव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हें आप भी अप्रिशिएट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।